यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। आप जहां कहीं से भी इस समय मातृधाम सत्संग से जुड़ रहे हैं, इस सत्संग के द्वारा प्रभु आपको ढेरों कृपाएं देने जा रहा है, ये विश्वास करते हुए इस सत्संग में भाग लेंगे। और आइए इस समय कुछ देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद स्वामी जी के द्वारा पवित्र वचन को सुनेंगे, फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रभु की स्तुति करने से हमें आनंद मिलता है। जी हाँ, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति में समय बिताते हैं, प्रभु के आनंद से हम भर जाते हैं। आनंद पवित्र आत्मा का फल है, ये कोई बाहरी आनंद नहीं है, बल्कि आत्मा का आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। और ये आत्मा का जो आनंद है, यही सबसे बड़ा आनंद है। इस आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, बल्कि ये आनंद हमेशा के लिए है। यदि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए जीते हैं, तो दुखों में भी हमें आनंद होगा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र में, शिष्यों को मारा गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, बंदी बनाया गया, उन्हें लज्जित किया गया, लेकिन फिर भी वहां पर लिखा हुआ है वे आनंदित होकर वहां से निकले, क्योंकि वे यीशु के नाम के कारण सताए गए थे। तो सतावट में हो, चाहे दुख में हो, चाहे विपत्ति में हो, जब हम स्तुति करेंगे हमें आनंद मिलेगा। इसलिए माता मरियम क्या कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम हर दुख में आनंदित थी, हर सुख में आनंदित थी, हमेशा वे आनंदित थी। इसी प्रकार जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु का गुणगान करता है, प्रभु की महिमा करता है, स्तुति करता है, वो सदा आनंदित रहता है, उसके चेहरे से आनंद ही आनंद झलकता है। तो आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और उस आनंद को पाएंगे जो परमेश्वर हमें देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन, मेरा मन अपने मुक्तिदाता, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आनंद में ही, प्रभु के आनंद में ही तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में ही, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम आनंदित होकर, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से, मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे, जल भरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करने से महिमा करने में महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है तारीफ करने से महिमा करने में करने में एक साथ ताली बजाके आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं रूह से भरने में खुदा से बात करने में रूसे भरने में खुदा से बात करने में रूसे भरने में खुदा से बात करने में रूसे भरने में खुदा से बात करने में एक साथ ताली बजाते आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है तारीफ करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने एक साथ में आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू मेरे नहीं आता है कैसा गुप्त तू खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू बसाने से उसके घर जाने में उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में तालियां बजाते लगाइए आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने में हाँ 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 तारीफ करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है ताली मिलकर
गीत बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, आहा, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हृदय को शांत कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु यीशु की इस प्रतिज्ञा को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस समय इस सत्संग के लायक बनाइए। मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को अपने उत्साह से भरिए। यीशु प्रभु यीशु तूने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं विश्वास के साथ इस समय तेरे सानिध्य में आया हूं, इस दरबार में आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को तिरस्कार नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। अपने जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु यीशु के करीब लाना। मेरे भाई, मेरी बहन,
जीवन के हर दुख और पीड़ा को प्रभु के सामने लाना इस समय, यह विश्वास करना कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। वो करुणामय है, पूरी बाइबल में बार बार बताया गया है कि वो करुणामय है, वो दयालु है। उसके सामने अपने दर्द पीड़ाओं को लाइए, बोलिए प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन रहता हूं, मैं भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं, अशांत हूं, बेचैन हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आवाज को सुन रहा है, तू मेरे दिल के धड़कन को जानता है। मैं अपने संपूर्ण जीवन को और अपने संपूर्ण परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सत्संग के बाद मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अपने हाथों को खुला रखना मेरे भाई, मेरी बहन। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए, बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए, मेरे दिल को आसानी से भरने के लिए, आराम से भरने के लिए, आइए पवित्र आत्मा। हे शक्ति की आत्मा, हे जीवन की आत्मा, हे शांति की आत्मा, मुझ पर उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए मेरे भाई और मेरे बहनों, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे।
अपने आगे को लें। सबको जय सु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके अनुग्रहों के लिए। प्रभु ईश्वर हमारे प्रति इतना दयालु है, इतना कृपावान है कि अपनी कृपा को बहाने के लिए हमें माध्यम भी देते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए जो माध्यमों के द्वारा आपको मिल रहा है। मुझे कई लोगों से संदेश मिल रहा है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा उनके जीवन में कितनी कृपाएं बरस रही हैं। आज ही मुझे टेलीफोन मिला था एक बहन से, वो गदगद थी, बोल रही थी कि मेरे परिवार का माहौल बदल गया है, हम पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए हैं, दिन भर हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमें कृपाएं मिल रही हैं, अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहन चेन्नई से संदेश दी है कि उनका पहला बच्चा हुआ मर गया और उनका शरीर बहुत बीमार था, काफ़ी दवाएं भी की, उसके बाद उन्होंने प्रवचन सुनना शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया। आज उनको एक दूसरा बच्चा मिल गया है और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई ने रांची से संदेश दिया है कि उनके शरीर में खून का काउंट बहुत कम था, बहुत कम खून था, दवाएं की कोई फायदा नहीं था। वे इन प्रार्थनाओं में भाग लेना शुरू किए, विशेष करके कृपा धारा में भाग लेना शुरू किए, उसके बाद उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर में रक्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन बनारस से संदेश दी हैं, रीटा नाम की बहन, उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद, प्रार्थनाओं में भाग लेने के बाद उनके शरीर के छोटे मोटे सारे रोग समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको पैल्स का रोग था, बवासीर का रोग था और भी बहुत सारे रोग थे, उन सारे रोगों से उनको छुटकारा मिल गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड से एक भाई, उनके गर्दन में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, एक नहीं कई लोगों ने कहा है, गर्दन में बहुत स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, गर्दन को हिलाना डुलाना मुश्किल था और उसको घुमाना मुश्किल था। विश्वास के साथ रक्ताभिषेक, प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिए और उनको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई झारखंड से, जितेंद्र नामक, उन्होंने नई ट्रैक्टर ली थी लेकिन उसकी दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के बाद मुकदमा हुआ और उनका काम भी छूट गया, कोई काम नहीं मिल रहा था। प्रार्थना में विश्वास के साथ भाग लेना शुरू किए, आज उनका मुकदमा समाप्त हुआ और उनको काम भी प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाराणसी से तारा, 3 महीने से रक्तस्राव से पीड़ित थी, 3 महीने से रक्तस्राव से पीड़ित तारा को प्रभु यीशु ने चंगा किया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम 2 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाते हैं। एक त्यौहार है राष्ट्रीय त्यौहार और दूसरा है कलीसियाई त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार। 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्रता मिली, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सच्चे विश्वासी होने के नाते, जैसा कि यरमियाह नबी ग्रंथ के अध्याय 29 में लिखा हुआ है, हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम इस स्वतंत्रता में बढ़ें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा त्यौहार है कलीसियाई त्यौहार, मैंने कहा माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार, माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार। इससे पहले कि हम लोग वचन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। सवाल यह है, कई जगह मैं पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु की माँ मरियम की
आराधना और पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक जगह पर मैंने पूछा, कई लोगों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूं, क्या यीशु की मां मरियम की पूजा और आराधना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम मनुष्य थी। मां मरियम मनुष्य थी, ईश्वर को छोड़ के और किसी की आराधना करना पाप है, 10 नियमों में पहले नियम के विरुद्ध है। तो हम मां मरियम का क्या करते हैं? हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं, क्योंकि मुक्ति के इतिहास में मुक्तिदाता के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उनकी मां मरियम है, जिन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, ईश्वर के वचन को धारण किया, उस ईश्वर के वचन को अनादि शब्द को देहधारी होकर जन्म लेने के लिए अवसर दिया, उन्होंने उस वचन को प्रसव किया, उससे मुक्तिदाता को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बचाने के लिए मिस्र देश भागी, बाद में उसका लालन पोषण किया, मंदिर में चढ़ाया गया उसका पुत्र को, 12 साल की उम्र में जब वो खो गया था मंदिर में उसको ढूंढने के लिए आई, जब वो सुसमाचार की घोषणा करते थे उस समय उसको ढूंढने के लिए जाती थी, मिलने के लिए जाती थी, वचन में बताता है, और उसी माँ के सामने उसका यीशु, वो मुक्तिदाता क्रूस पर टंगा है, उस क्रूस के नीचे वो खड़ी थी। अंतिम क्षण तक उसने पूरा साथ दिया। इतना ही नहीं, प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे पेंतेकोस्त के दिन के लिए उसी माँ ने प्रारंभिक कलीसिया को तैयार किया था, और इसीलिए वो हमारे आदर सम्मान और वंदन के पात्र हैं। उसका अपमान करना, उसका उपहास करना गलत है, पाप है और ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसीलिए हम मां मरियम का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखते हैं। तो आज हम मां मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार मनाते हैं, हम प्रभु येसु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं, स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग चढ़ने का त्यौहार। लेकिन आज हम मां मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार मनाते हैं, यानी स्वर्ग में उठाई जाने का त्यौहार मनाते हैं। कलीसिया सिखाती है, पवित्र कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई, मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। खैर, ये कोई असंभव सी बात नहीं है, ईश्वर के लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ईश्वर ने हमें 0 से बनाया है तो हमें 0 बना भी सकता है, तो कोई असंभव सी बात नहीं है। खैर, बाइबल में हमें विशेष करके 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 24 में हानोक के बारे में लिखा हुआ है कि हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। इसके बारे में हमें प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, हानोक प्रभु को प्रिय थे और वो सशरीर उठा लिए गए। हानोक प्रभु को प्रिय थे और वो सशरीर उठा ले गए। उसी तरह हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ में नबी एलिय्याह के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप देखते हैं, आपने सुना है नबी एलिय्याह के बारे में, नबियों में महान नबी एलिय्याह, जिसने ईश्वर के लिए बहुत काम किया और ईश्वर ने उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, उनके बारे में लिखा गया है राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, एलिशा जो उनका शिष्य था, एलिशा और एलिय्याह वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और
एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। तो हमें हानोक के बारे में और एलिया के बारे में भी पढ़ने को मिलता है कि वे सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए। कैथोलिक कलीसिया ये विश्वास करती है कि मां मरियम को सशरीर ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया था, उनका शरीर निष्पाप था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पुत्र को धारण किया। ईश्वर के पुत्र को धारण करने वाला वो शरीर निष्पाप था, इसीलिए वो गला नहीं, ये कलीसिया में सिखाती है। खैर, मैं इसके विषय पर चर्चा नहीं करूँगा कि सशरीर वो उठा ली गई या अशरीर उठा ली गई। सच्चाई यह है कि मां मरियम स्वर्ग में उठा ली गई। देखिए, हम प्रेरितों के धर्मसार में कहते हैं, विश्वास की प्रार्थना में कहते हैं कि हम संतों की संगति पर विश्वास करते हैं। कैथोलिक कलीसिया और अन्य कई कलीसियाएं भी संतों की संगति पर विश्वास करते हैं, अर्थात धर्मी मरने के बाद ईश्वर के सानिध्य में जाता है, ईश्वर की उपस्थिति में जाता है, स्वर्ग जाता है। यह हमारा विश्वास है। जब प्रभु येसु पुनरुत्थान के बारे में और अनंत जीवन के बारे में शिक्षा दे रहे थे, तो यहूदियों में एक भाग, एक समुदाय जिसका नाम था सदूकी, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्रभु येसु को चिढ़ाया करते थे, बार बार चिढ़ाते थे इस बात को लेकर कि पुनरुत्थान होता नहीं है। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जीवन एक है, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मनुष्य पाताल में चला जाता है। ये सदूकियों का विश्वास था। इसीलिए प्रभु येसु ने उनको समझाने के लिए मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 26 और 27 में उनसे कहा, जब ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया उस झाड़ी में से जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी, तो ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। और प्रभु ने कहा कि ईश्वर मृतकों का नहीं है बल्कि जीवितों का ईश्वर है। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि धर्मी जब मर जाते हैं तो वे मिट्टी में नहीं रह जाते हैं बल्कि स्वर्ग जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ेंगे, प्रभु येसु ने वहां पर एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक धनी और गरीब का दृष्टांत। एक धनी जो दावत उड़ाया करता था, उसके द्वार पर, गेट पर एक गरीब पड़ा रहता था, उसका नाम था लाजरुस। उसके शरीर में चोटें थी, घाव थे, और वो धनी उसका ख्याल नहीं करता था। दोनों मर गए, लाजरुस मर गया, और वचन में लिखा हुआ है स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम के गोद में रख दिए। जबकि धनी मर गया और गाड़ा गया और नरक चला गया, लेकिन उस गरीब के बारे में, लाजरुस के बारे में बताया गया है कि स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम के गोद में रख दिए, यानी स्वर्ग ले गए। इसी तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 43 में, जब प्रभु येसु क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय उनके दाहिने जो डाकू लटका हुआ था उसने येसु को पहचाना और उससे कहा, हे येसु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। आपको याद है प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। यानी धर्मी मरते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं, मां मरियम स्वर्ग में है। आज का त्यौहार हमें बताता है कि मां मरियम ईश्वर के सानिध्य में है, स्वर्ग में है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ है कि धर्मी आकाश की ज्योति की तरह चमकेंगे, धर्मी आकाश के मृत्यु के बाद आकाश की ज्योति की तरह चमकेंगे। मां मरियम स्वर्ग में उस ज्योति की तरह चमक रही है, प्रभु के सानिध्य में है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना होगा, उनको प्रार्थना में अनोखे अनुभव मिलते थे,
उन्होंने कहा कि एक बार प्रार्थना में उनको स्वर्ग दिखाई दिया और स्वर्ग का सुंदर वर्णन वे करते हैं, किताबों में उन्होंने लिखा है और अपने साक्ष्य में भी बताते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग में मदर मेरी को देखा, अर्थात मां मरियम को देखा, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर और इतनी खुश नारी को नहीं देखा है। मां मरियम के बारे में डीजीएस दिनकरन कहते हैं, इतनी सुंदर और इतनी खुश नारी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा उसको। मां मरियम के बारे में सुंदर वर्णन है। तो मां मरियम स्वर्ग में है, प्रभु के सानिध्य में है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय एक में माता मरियम ने एक सुंदर गीत गाया। जब वो एलिजाबेथ के पास गई तो उन्होंने क्या गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र उसका नाम। आगे वो कहती हैं, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। मां मरियम अपने बारे में कहती हैं कि उसने शक्तिशालियों को नीचे गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। ये गीत वास्तव में मां मरियम के जीवन में उस स्वर्गोग्रहण के समय या उसके बाद पूर्ण हुआ। मां मरियम को ईश्वर ने ऊपर उठाया, उस दीन दासी को जिसने ईश्वर से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उस दीन दासी को प्रभु ने ऊपर उठाया और स्वर्ग में अपने पुत्र के बगल में बैठा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में विजयी के बारे में पढ़ने को मिलता है। बार बार यहां बताया गया है विजयी, विजयी, विजयी। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीचों बीच है। आगे वचन में पढ़ेंगे वाक्य 11 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। उसी अध्याय के वाक्य 26 में लिखा हुआ है, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। आगे आप पढ़ेंगे अध्याय 3 में, अध्याय 3 के वाक्य 5 में लिखा हुआ है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन के ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा, मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उसे उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाली है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। आगे लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21 में, वहां क्या लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर विराजमान हूं। ये सारी बातें माता मरियम के जीवन में हमें देखने को मिलती है। ये विजयी मतलब कौन होता है? Who is this conqueror? ये विजयी कौन है? विजयी वो है जिसने पाप और बुराई पर जीत पाई है, जिसने शैतान पर विजय पाई है, जिसने संसार पर विजय पाई है, जिसने दुख पर विजय पाई है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। विजयी, एक विश्वासी विजयी बनने के लिए बुलाया गया है, और मां मरियम वास्तव में विजयी हुई। वो वास्तव में विजयी हुई, उन्होंने शैतान को हराया। वास्तव में प्रभु येसु की पीड़ाएं, प्रभु येसु का दुखभोग, प्रभु येसु की मृत्यु मां मरियम के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, उनके विश्वास के लिए,
उनके भरोसे के लिए, उनके समर्पण के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और मां मरियम उस परीक्षा में खरा उतरी। वो जीत गई, उसने शैतान को हराया, शैतान मरियम को तोड़ नहीं पाया, परेशान नहीं कर पाया। मां मरियम प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, मौन होकर खड़ी थी। कौन मां उसके अपने बेटे की मृत्यु के समय इतना मौन होकर खड़ी हो सकती है, उसको स्वीकार कर सकती है? मरियम ने शैतान को कुचल दिया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 15 में, उसके अनुसार मरियम के बेटे ने शैतान के सिर को कुचल दिया। मरियम ने शैतान के सिर को कुचल दिया। मां मरियम विजयी हुई, दुख पर विजयी हुई। यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर मरियम को दुख पर दुख झेलना पड़ा। उस बच्चे को जन्म देने के लिए एक जगह तक नहीं मिली। उसके जन्म के बाद उसको बचाकर भागना पड़ा मिस्र देश। जब वो सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, उस समय से उसको संकट का सामना करना पड़ा। उसका एकमात्र बेटा जो निर्दोष था, दोषी ठहराया गया, उस पर जुल्म किया गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस पर मार डाला गया। जबकि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था उसके बारे में कि वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसको राजा दाऊद का सिंहासन प्रदान किया जाएगा। मरियम के मुंह से ईश्वर की ओर एक शब्द नहीं निकला। मरियम ने एक सवाल तक नहीं किया कि यही ईश्वर ऐसा क्यों। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, मौन होकर क्रूस के नीचे खड़ी है मरियम, दुख पर विजयी हुई। आज का त्योहार हमें यही बताता है कि मरियम दुख पर विजयी हुई। मरियम ने दुख को हराया, शैतान को हराया। आज का त्योहार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए आशा का त्योहार है। आप पढ़ेंगे यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है। यौहन का सुसमाचार अध्याय 14 में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, हमें सांत्वना देते हुए बताते हैं। यौहन अध्याय 14 उसके वाक्य 1 से हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और हम में से हर एक को अपने पिता के निवास स्थान में ले जाने के लिए संसार में आए थे। यौहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इसी के लिए संसार में आए थे, हमें अनंत जीवन को के लिए तैयार करने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले पाप और बुराई से हमें छुटकारा देकर बचाकर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए, जहां वो हैं वहां हम भी रहें। भला बताइए, प्रभु यीशु जहां हैं वहां बैठने के लिए सबसे योग्य कौन है? अगर उनकी मां नहीं तो और कौन है, जिसने पूरी तरह से उनको साथ दिया, अंत तक उसको साथ दिया, मुक्ति के इतिहास में प्रेमी ईश्वर को साथ दिया, उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? तो मां मरियम यीशु के सानिध्य में, यीशु के साथ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्योहार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए एक चुनौती का त्योहार है कि हम स्वर्ग के लायक जीवन जिए।
जिस तरह मां मरियम ने एक स्वर्गोन्मुख जीवन जिया, हम भी स्वर्ग के लायक जीवन जिए। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 2 में क्या कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। पौलुस कहते हैं कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें, एक स्वर्गिक दृष्टि से देखें। देखिए पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में, पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। एक विश्वासी को हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए जीना चाहिए, हर समय सत्य को अपने सामने रखते हुए जीना चाहिए, एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में पौलुस क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। बहुत सुंदर, क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि यह तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा रख करते हैं। एक विश्वासी की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। मां मरियम का स्वर्गारोहण का त्यौहार इसके लिए हमें प्रेरणा देता है। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं यानी जो दिखाई देता उस पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं। हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वो अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। देखिए स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, स्वर्ग को देखते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ने वाला जीवन जीना आसान नहीं है। दुनिया के लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, आपको मूर्ख कहेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन एक विश्वासी उसने कुछ और देख लिया है। पौलुस और एक बार इसको पढ़ रहा हूं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस, वही संत पौलुस क्या कहते हैं कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 में पौलुस कहते हैं 1 से, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। पौलुस कहते हैं कि आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार हमें इसके लिए प्रेरित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन दोनों त्योहारों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना भी करते हैं, माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण के त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। महान त्योहार, हर विश्वासी के लिए, हर मसीही के लिए आशा का त्योहार, हर विश्वासी के लिए, मसीही के लिए
चुनौती का त्योहार। मां मरियम की तरह विजयी बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। संसार पर, पाप बुराई पर, शैतान पर, मृत्यु पर, दुख पर विजयी बनने के लिए कृपा दीजिए। मां मरियम की तरह स्वर्गोन्मुख जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। इस धरती के लायक नहीं बल्कि स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। और इस प्रकार हम भी मां की तरह स्वर्ग में उठा लिए जाएं। ए प्रभु यीशु, तूने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये तेरी इच्छा है कि तू जहां है वहां हम भी रहें। माता मरियम का अनुकरण करते हुए उनकी विशेष मध्यस्थता द्वारा हम तेरे स्वर्ग के योग्य बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु। आमीन। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में मन लगाकर भाग लेंगे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। एक साथ मिलके यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु देने आजा। शक्ति दाता शक्ति देने आजा। शांति दाता शांति देने आजा। शक्ति दाता शक्ति देने आजा। शांति दाता शांति देने आजा। शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाई दाता
हालेलुया हालेलुया आप इस समय पवित्र और परम प्रतापी प्रभु के सामने हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सामर्थ्यवान प्रभु के सामने, असंभव को संभव करने वाले सामर्थ्यवान प्रभु के सामने, शक्ति और सामर्थ्य के स्रोत सामर्थ्यवान प्रभु के सामने, आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए, अपने विश्वास के समय जिंदा कीजिए, ताजा बनाइए, यीशु पर विश्वास, यीशु की उपस्थिति पर विश्वास, यीशु के प्रेम पर विश्वास, यीशु के वचनों पर विश्वास, यीशु के पवित्र बलिदान पर विश्वास, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास, यीशु के पुनरागमन पर विश्वास। अपना हृदय और मन इस समय एकाग्र करना। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, प्रभु ने आपको इस आराधना में आने का मौका दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। यीशु की आराधना में लग जाइए, सारे हृदय और मन से प्रभु की आराधना कीजिए। अपनी सारी कठिनाइयों को कुछ समय के लिए दूर रखिए, उनको कुछ समय के लिए भूल जाइए, प्रभु के हाथों में सुपुर्द कीजिए, समर्पित कीजिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र उसका नाम, पवित्र उसका नाम। हालेलुया 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 हालेलुया।
उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुधि ली है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ ऊपर उठाई और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए आनंद के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा कि आज हमारे लिए आनंद का दिन है।
हम दो महान पर्व मनाते हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि एक राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के स्वतंत्रता की दिवस का पर्व। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के लिए। हमारे देश में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हमारे लिए दुख का कारण है। तो इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमें अपने देश के लिए बराबर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम मां मरियम के स्वर्गोद ग्रहण का पर्व मनाते हैं। वचन में आपने सुना कि मां मरियम का स्वर्गोद ग्रहण का त्यौहार हमारे लिए आशा का त्यौहार है, कि जिस तरह मां मरियम का स्वर्गोद ग्रहण हुआ था उसी तरह हम भी ऊपर उठाए जाएंगे, हम भी प्रभु के सानिध्य में पहुंचेंगे। जिस तरह एक दौड़ में लगा हुआ व्यक्ति उस स्थान के लिए, गंतव्य स्थान के लिए दौड़ता, उसी तरह हमें भी दौड़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु की ओर दौड़ें, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें। और हम सबके अंदर ये उत्साह होना चाहिए। पौलुस को सुनिए, पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना, हमारा लक्ष्य इस धरती पर नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। एक विश्वासी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, एक विश्वासी का लक्ष्य स्वर्ग कमाना है। हमें स्वर्ग से कम कुछ नहीं चाहिए। इस धरती पर प्रभु ने जो कुछ दिया है, इन सारी चीजों को हमें इस तरह प्रयोग में लाना है कि हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। वह एक विश्वासी है, वह एक मसीही है। जो इस धरती से लिपटा हुआ है वो विश्वासी नहीं हो सकता है, वो मसीही नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है, प्रभु ने हमें शिक्षा दी है इन सारी चीजों का सही इस्तेमाल करते हुए हम स्वर्ग के लायक बन जाएं। मां मरियम का ये त्यौहार हमारे लिए एक बहुत सुंदर नमूना है, उदाहरण है। मैंने कहा मां मरियम का त्यौहार हमारे लिए चुनौती है। जिस तरह मां मरियम ने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई और उठाए रखा, उसी तरह हमें भी अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाए रखना है। अगर हमारी दृष्टि धरती की ओर है तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, वो हमारे जीवन का अंत होगा। कितनी दयनीय स्थिति है हमारी। संत पौलुस कहते हैं कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में आपने सुना, पौलुस कहते हैं यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं तो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम विश्वासियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा तो हम इधर से उधर भटकते रह जाएंगे। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, हमें प्रभु यीशु के पास पहुंचना है। प्रभु ने कहा जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी पहुंच जाओ। अगर वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे तो हमारी जिंदगी विफल रही। मां मरियम के स्वर्गोद ग्रहण का त्यौहार हमें इसके लिए प्रेरित करता है। मां मरियम विजयी बनी, संसार पर विजयी बनी, पाप पर विजयी बनी, बुराई पर विजयी बनी, शैतान पर विजयी बनी, मृत्यु पर विजयी बनी। उसी तरह हमें भी विजयी बनना है, हमें भी इन सारी चीजों से ऊपर उठना है। यही सत्याई है, हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठना है और स्वर्ग के लायक बनना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मां मरियम मनुष्यों में से चुनी गई थी, मां मरियम मनुष्य थी। मैंने आपसे स्वयं कहा वह सबसे पहली मसीही हैं और सबसे आदर्श मसीही है। मां मरियम सबसे पहली मसीही हैं और सबसे आदर्श मसीही हैं। मां मरियम स्वर्ग पहुंच गई, यानी हमें भी
वहां पहुंचना है और हम भी वहां पहुंच जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सारी बातों पर मनन करना, सिर्फ खाने पीने की बातों पर मनन नहीं करना है, वो तो धरती पे समाप्त हो जाएंगी। हमें स्वर्गिक बातों पर मनन करना है, चिंतन करना है। बड़े बड़े संत अपने जीवन में दुखों को सह पाए, दुखों को पार कर पाए, विभिन्न प्रकार की बुराई और बाधाओं के आगे निकल पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि स्वर्ग पर थी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 121 में, मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर उठाना, यानी ईश्वर के सानिध्य की ओर उठाना चाहिए, वरना हम लोग इस धरती पे ही सीमित हो जाएंगे। हम विश्वासियों की दृष्टि पर्वतों की ओर उठाई गई है, उठाई हुई है। आज हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता दिवस के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने आप को हम जांच करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम लिपटे हुए हैं, अब बधे हुए हैं, उसी के चलते हम बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान रहते हैं। हमें संसार में रहते हुए एक दृष्टि प्रभु पर और स्वर्ग पर होनी चाहिए, दूसरी संसार पर। हमें सांसारिक नहीं बनना चाहिए। संत पौलुस ने हमें बताया कि आप सांसारिक ना बने, संसार के अनुकूल ना बने, संसार की चीजों को प्रयोग करते हुए स्वर्ग के लायक बने, स्वर्ग के अनुकूल बने। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इसके लिए। और इस समय देखिए कि मुझे संसार से बांधने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। क्या मेरे अंदर धन के प्रति इतना ज्यादा मोह है? वचन में लिखा हुआ है, धन के प्रति मोह, लव मनी, धन के प्रति प्रेम, प्यार, लगाव बुराई की जड़ है। क्या मेरे अंदर धन के प्रति इतनी ज्यादा लगाव है? क्या मेरे दिल में दूसरों के प्रति इतना ज्यादा लगाव है? मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, इतना ज्यादा लगाव। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती अध्याय 10 उसके वाक्य 27 में, जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। जो यीशु के शिष्य है उसको लगाव नहीं होता। हम प्यार करेंगे लेकिन लगाव नहीं। यीशु ने हमें प्यार किया लेकिन हम लगाव नहीं हुआ। अटैचमेंट, जो आसक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आसक्ति पाप है, ये मोह पाप है। हम धनी हो सकते हैं, हमारे पास धन हो सकता है, लेकिन उसके प्रति जो मोह है ये पाप है। हम लोगों को प्यार करते हैं लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति है वो पाप पाप है। लोगों के प्रति, चीजों के प्रति, पद के लिए, अधिकार के लिए, क्या मेरे अंदर प्यास है? वो मुझे संसार से बांध देती है। मैं बंध जाता हूं, मैं गुलाम बन जाता हूं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है लेकिन हम गुलाम बनकर मर जाते हैं। ईश्वर हमें स्वतंत्र बनाए हैं लेकिन हम गुलाम बनकर मर जाते हैं। कितनी दयनीय अवस्था है हमारी। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अमर बनाया, हमें अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन हम इस संसार से इस कदर लिपट जाते हैं कि मर जाते हैं। उस महान पहचान को हम भूल जाते हैं, उस महान पहचान को हम भूल जाते हैं, उसे वंचित हो जाते हैं, उन सारी चीजों को जो हमें बांधती है। इस समय प्रभु की आत्मा समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे अंदर बहुत ज्यादा लगाव है धन के प्रति, मेरे मन में हमेशा धन के प्रति बहुत प्यास है, मेरे अंदर बहुत भूख है, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे अंदर बहुत ज्यादा लगाव है, आसक्ति है लोगों के प्रति, बहुत ज्यादा आसक्ति। मुझे लगता फलाना मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, उस पर दया कर, तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इन सारे बंधन में डालने वाली चीजों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए,
और स्वतंत्र होकर समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 आजादी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समय चंगाई के लिए प्रार्थना है। जो रोगी हैं समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, रोगी अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने रोग को यीशु के अधीन कर देंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वही ईश्वर के लिए संभव है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने गंभीर रोगियों को प्रभु ने चंगा किया है। आपको भी यीशु इस समय स्पर्श करना चाहते हैं, अपने रोग को यीशु के अधीन कीजिए। बोलिए प्रभु यीशु मैं अपने रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, तू मेरे रोग पर अधिकार ले यीशु। वचन में लिखा हुआ है तूने सब रोगियों को चंगा किया, कोई भी रोग तेरी शक्ति के परे नहीं है। यीशु मैं स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, इस समय घोषित करता हूं अपने शरीर के इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस रोग को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। यीशु इस समय आपके और हमारे बीच में विराजमान है, विश्वास कीजिए। Believe that the Lord is present close to you right now. यीशु आपके करीब हैं। यीशु अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। महसूस कीजिए इस समय। यीशु का सामर्थ्य आपके शरीर में बह रहा है। महसूस कीजिए। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति आपकी ओर बह रही है। महसूस कीजिए। यीशु का पवित्र हाथ आपके सिर पे, उनके पवित्र हाथ से शक्ति आपकी ओर बह रही है। आपके शरीर के नस नस में बह रही है। आपके शरीर के नस नस में बह रही है। आपके शरीर के नस नस में बह रही है। यीशु आपके शरीर के उन जगहों को जहां पर रोग है, जो बंधन में है, रोग ग्रस्त है, इस समय तोड़ रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, बंधनों को तोड़ रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। He is healing you. यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। आंखें मंद कीजिए, प्रभु का स्पर्श अपना दीजिए। यीशु आपको छू रहे हैं। Jesus is touching you right now. आपके शरीर के अंग अंग को यीशु के सामर्थ्य के एहसास करने दीजिए। इस समय यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है। यीशु की शक्ति आपकी ओर बह रही है। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से कई लोगों को आज इस वक्त चंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन 3 दिन के अंदर आपके शरीर में चंगाई महसूस होगी। प्रभु को धन्यवाद देना, लोगों को साक्षी सुनाना। जिन जिन लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, चंगा किया, आप मेहनत करना, फोन करना, हमारे भाई बहन जो प्रार्थना दल के हैं उनको साक्षी सुनाना और अधिकतर लोगों को इसके बारे में बताना। कई लोग नौकरी के तलाश में थे, लेकिन इस बीते सप्ताह में प्रार्थना में आने के बाद उनको नौकरी मिली है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। धन्यवाद यीशु। किराए के घर पे रह रह कर थक गए, ऊब गए,
हमेशा सोचते थे कि हमारा अपना घर होता। आज से आप जब सत्संग में आएंगे, इस विशेष मतलब को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। बोलना, प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमें रहने के लिए घर देना। छोटा है तो सही, लेकिन एक घर देना यीशु। इसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु आपको आशीष देंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अंदरूनी रोगों से, विशेष करके मासिक के रोग से, कई बहनों को चंगाई मिल रही इस समय, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिल रही है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। कुछ बहनें हैं जो छोटे मोटी समस्या में अपना दोनों हाथ सिर पे लगाकर सिर पीटती हैं और रोती हैं, ये उनकी आदत बन गई है। तुरंत सिर पीटना, रोना, आपकी उस आदत को प्रभु यीशु हटा रहे हैं, आपके अंदर आनंद भर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु किसके लिए। एक बहन जो नीला कपड़ा पहनकर बैठी है, इस समय नीला कपड़ा पहनकर बैठी है, उनके सिर में कई दिनों से, कई साल से दर्द है, दवा करने से भी कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको देखा है, प्रभु यीशु आपके सिर पर अपने हाथ रखे उस समय और आपको चंगा कर दिए हैं। प्रभु को धन्यवाद देना आज से। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु एक नाम दे रहे हैं इस समय, रीना। रीना को प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं, आपकी चिंता को प्रभु दूर कर रहे हैं, आपकी चिंता का कारण प्रभु हटा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि आप में से कई लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक रेडियो है, मातृधाम रेडियो। इसमें 24 घंटे गीत, प्रार्थनाएं, वचन आपको सुनने को मिलेंगे 24 घंटे। उसको कमरे में रखिए, उसको बजते रहने दीजिए, उसके द्वारा आपके घर की शुद्धिकरण होगा। तो मातृधाम रेडियो को उसका ऐप अपलोड करेंगे, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। इसको आप अपलोड करेंगे, अपलोड नहीं, डाउनलोड, सॉरी। आप में से कई लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से एक रेडियो चलता है, मातृधाम रेडियो। 24 घंटे गीत, प्रवचन इत्यादि होते हैं, आप जरूर इसके इस्तेमाल करेंगे, बजाइए घर पे, घर का शुद्धिकरण होगा। आपको इसका ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, इसको आप डाउनलोड करेंगे और जरूर रेडियो सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। हर रोज का कार्यक्रम इस प्रकार है, 5 बजे सुबह रोज की रोटी, और उसके बाद 6:30 बजे मिस्सा, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, रात को 9 बजे कृपाधारा कार्यक्रम है, आराधना का कार्यक्रम, बहुत सशक्त प्रार्थनाएं हैं, जरूर उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हर रविवार को एक सत्संग होगा, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, और शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा कृपाएं प्राप्त कीजिए, प्रभु आपको ढेर सारी कृपाएं देना चाहते हैं, सहारा लीजिए। इसके अलावा हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। प्रार्थना करेंगे समय, बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस तेल को, इस जल को, इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति उड़ेल दीजिए, शक्ति उड़ेल दीजिए, जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण, जो भी इसे धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, चंगाई, बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं।
बढ़ता हूँ। ¡Suscríbete!